दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। इससे पहले उनके सरकारी आवास पर पहुंचकर आपदायक दुर्गेश कुलदीप और सांसद संजय सिंह के अलावा कई बड़े नेता उनसे मिलने पहुंचे। गौरतलब है कि शराब घोटाले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए तलब किया था। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया सीबीआई मुख्यालय रवाना होने से पहले आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचे। यहां से वे अपने नेताओं के साथ राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। सिसोदिया ने इससे पहले कहा कि इनकी तैयारी मुझे गिरफ्तार करने की है। घर में रेड किए, गांव में रेड किए, लेकिन कुछ नहीं मिला। उन्होंने पूरे मामले को फर्जी बताते हुए कहा कि मुझे जेल में डाल रहे हैं जिससे गुजरात न जा सकूं। घर में मनीष सिसोदिया को तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर मुस्कुराते हुए सीबीआई दफ्तर के लिए रवाना हुए, जहां आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मनीष सिसोदिया के आवास पहुंचे थे।